अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरा ड्रोन जो है वो क्रैश हो चुका है। आपने थंबनेल में जो देखा वो सही है कि मेरा ड्रोन जो है वो क्रैश हो चुका है। आईजेटआई कस्टमर क्या मुझे सपोर्ट कर रही है? सबसे पहला पॉइंट ये है, मेरा ड्रोन क्रैश कैसे हुआ, ये सेकंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट ये है कि मैंने ड्रोन को आइजेट आई वालों के पास भेजा तो वो उन्होंने सर्विस करके सही तरीके से भेजा है कि नहीं, ये सारे प्रॉब्लम्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा ड्रोन जो है वो क्रैश कैसे हुआ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 26 जनवरी को मैं ड्रोन उड़ा रहा था एंड रिमोट और ड्रोन के बीच में जो कनेक्शन होता है वो ब्रेक हो गया था, जिसके वजह से ड्रोन जो है सेफ्टी जगह पे लैंड होने के चक्कर में एक झाड़ के साथ टक्कर मार दी और जो है ड्रोन मेरा क्रैश हो चुका था। तो मैं डर गया था पहले कि मेरा ड्रोन क्रैश हो गया, मैं क्या करूं। लेकिन फिर मेरे को याद आया कि यार इसके साथ 1 साल की वारंटी है, तो मैं फटाफट घर पे आया एंड आईजेटआई कस्टमर केयर पे कॉल किया। पहली बार उन्होंने कॉल तो रिसीव नहीं किया, फिर दूसरी बार कॉल किया, तीसरी बार कॉल किया, चौथी बार कॉल किया तो उन्होंने रिसीव किया। एंड व्हाट्सएप पे भी मैं मैसेज कर रहा था कि आप कॉल क्यों नहीं उठा रहे, तो शायद वो बिजी थे। बाद में मैं आपको बता दूं, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया, उन्होंने बताया कि क्या हुआ है। तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हो चुका है, मेरा ड्रोन जो है क्रैश हो गया है। तो उन्होंने बोला कि डरने की कोई बात नहीं है, आप एक काम करें, सबसे पहले आप हमें कुछ फोटोज भेजें कि ड्रोन का क्या हाल है। तो मैंने ड्रोन के चारों साइड फोटो भेजा और जो क्रैश हुआ था, जहाँ टूटा था, वो भी मैंने उनको भेजा। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रैश हो गया है, तो एक काम करें, आप इसको कोरियर कर दे भोपाल सर्विस सेंटर पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा ड्रोन क्रैश हुआ था, तो मेरा ड्रोन क्रैश होने के बाद भी चल रहा था, लेकिन कैमरा जो है, कैमरे का जो गिम्बल है वो काम नहीं कर रहा था। एंड ये कैमरे का गिम्बल जो है, बहुत से भाइयों ने कमेंट करके भी बोला है और मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया है कि आइजेट आई के कैमरे में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ये गिम्बल जो है ये स्टेबल नहीं है। तो मैंने आइजेट आई वालों से बात किया, तो उन्होंने बोला कि हमारा जो नेक्स्ट ड्रोन आएगा वो अच्छा बनेगा, ये इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन ये है कि जो ड्रोन का जो गिम्बल है वो बाद में लॉक हो जाता है, ये ड्रोन अच्छा है, बीच बीच में जो ड्रोन का गिम्बल है वो काम नहीं करता है। तो फिलहाल ये मेरा जो ड्रोन का क्रैश हुआ था, जिसकी वजह से मेरा ड्रोन का जो कैमरा है वो काम नहीं कर रहा था एंड टेक ऑफ भी नहीं कर रहा था। बाद में मैंने थोड़ा सा अपना से कुछ करा तो ड्रोन मेरा जो चलने लगा। तो आप पहले वो वीडियो देख ले कि मेरा ड्रोन क्रैश होने के बाद भी उड़ रहा था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा ड्रोन है जो क्रैश होने के बाद इसकी हालत ऐसी है। यहाँ पे कैमरे का जो सामने का जो ग्लास था वो टूट चुका है और यहाँ पे इस तरीके से क्रैश हुआ था, तो ये ऐसा टूटा हुआ है यहाँ पे। हाँ बस, बाकी सब कुछ सही है। चालू करो, उड़ ही नहीं रहा था। तेरा हाथ ऊपर गया, दोनों दिखे। चालू करो वापस, क्लोज जाके चालू कर। गया फिर से कनेक्शन, टूटा। देखो कनेक्शन इस तरीके से टूट जाता है, कनेक्शन इस तरीके से बार बार टूट जाता है। वो दिखा वहाँ पे जाके, इस साइड लेके आ, इस साइड से। हाँ देखो, मोटर चालू नहीं होगा, देख रहे हैं, मोटर चालू नहीं हो रहा है, इंजन मोटर। अरे मोटर है वो। स्टेबिलिटी नहीं, एकदम कप 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 आ रहा है। देखो एकदम कप आ रहा है, तो कैमरे का स्टेबिलिटी देखो। अभी मैंने कैमरे को ऊपर से हिलाया गिम्बल को, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना हिल रहा है, स्टेबल नहीं है, एकदम से स्टेबल नहीं है। कनेक्शन टूट गया है और ड्रोन देखो आसमान के ऊपर चले जा रहा है। इधर देखो, कनेक्शन टूट गया है, कनेक्शन टूट गया, डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। अब कहाँ गया वो, अभी ऊपर ही आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। हाँ ऊपर ही ऊपर जा रहा है। इन्ना लिल्ला, वो देखो तो किधर जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। अपने आप अपने कंट्रोल में है ही नहीं है ये, देखो ये कनेक्टेड है यहाँ पे, ये अपने कंट्रोल में नहीं है, अपने आप आ रहा है। देखो ये बार बार जो डिस्कनेक्ट होता है ना, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है। वो आ रहा है, अपने आप आ रहा है। अरे भाई पकड़ जल्दी।
तो जैसे कि भाई आपने देखा कि मैंने ड्रोन जो है जाके उड़ाया, बीच बीच में जो मोटर है वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा ड्रोन उड़ रहा था, कैमरा जो है वो स्टेबल नहीं था, वो वार्प नहीं कर रहा था। फिर आया मैं और फटाफट मैंने आईजेट वालों से बताया कि देखो मेरा ड्रोन जो है वो उड़ रहा है लेकिन कैमरा है वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप जितना जल्दी हो सके कोरियर कर दे और फिर उसके बाद हम उसको देखेंगे कि क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। तो फिलहाल आप देखें मेरा ये प्रोसेस, मैंने किस तरीके से कोरियर किया और आईजेट आई वालों ने किस तरीके से मुझे हेल्प किया। मैं कंटिन्यू उनसे व्हाट्सएप पे बात करता जा रहा था और मुझे गाइड करते जा रहे थे। उन्होंने एक मेल भी भेजा, उस मेल में पूरा एड्रेस था कि कहाँ आपको कोरियर करना है। तो मैं गया और मैं जाके कोरियर किया, देख सकते हैं ATDC में जाके मैंने कोरियर किया। कोरियर में थोड़ा चार्ज ज़्यादा लगा, और ये क्यों चार्ज इसलिए लगा कि ड्रोन में जो बैटरी होती है वो फ्लाइट फ्लाइट से नहीं जा सकती है, वो बाय रोड होती ना, तो इसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा अमाउंट लगा। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे DTC पे चेक भी कर रहा था कि मेरा कोरियर कहाँ कहाँ तक पहुँचा, तो फाइनली डिलीवर हो गया है, अब देख सकते हैं। एंड उन लोग के पास पहुंच गया, उन्होंने बोला कि हम जो है आपके ड्रोन का काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपके ड्रोन का प्रॉब्लम सॉल्व करके आप तक फिर कोरियर कर देंगे, आपके पास फिर आ जाएगा। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में पहली बार ड्रोन कंपनी जो है IZI किस तरीके से हमें सपोर्ट करती है और किस तरीके से सर्विस देती है। तो ये वीडियो भी उनके लिए ही है जिनको आने वाले फ्यूचर में प्रॉब्लम तो एक ना एक दिन आएगी, तो वो कैसे क्या कर सकते हैं हैंडल, वो इस वीडियो में मैंने बताया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, और जरूर मेरे लिए दुआ करना कि मेरा ड्रोन जो है फिर से सही सलामत आ जाए। इसके वजह से मैं थोड़ा व्लॉग नहीं बना पा रहा था, मेरा मूड ऑफ था। तो ड्रोन आ जाएगा तो फिर इंशाल्लाह डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग मैं लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी मेहनत करता रहूंगा।